ये है दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारे पास सोनी WH-1000XM4 ब्लूटूथ हेडफोन्स आई थिंक अप्रॉक्स 10-15 डेज पहले आ चुके थे। ये सही टाइम है आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सकूँगी। एक्चुअल में रियलिटी के अंदर सोनी WH-1000XM4 जिसकी प्राइस 28,490 का मैंने परचेज़ किया था, एट प्रेजेंट जो भी बेस्ट परचेज प्राइस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो क्या आपके लिए वर्दी रहने वाले नहीं रहने वाले। आई थिंक मार्केट में वन ऑफ द लीडिंग हेडफोन्स है जब बात आती है सोनी हेडफोन्स की। तो यह मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे 30 आवर्स का सिंगल चार्ज में बैटरी बैकअप दे दिया गया है। 10 मिनट्स के अंदर आपको 5 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, मीन्स क्विक चार्जिंग दी गई है। एडिशनली आपको इसके अंदर गूगल असिस्टेंट के साथ साथ अमेजन एलेक्सा का वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया है। इसके अंदर आपको LDAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक दे दिया गया है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है जब आपको ब्लूटूथ हेडफोन्स के अंदर LDAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक देखने को मिलता है। NFC मिल जाएगा आपको, एक सेंस इंजन या फिर मैं कहूँ तो ईयर सेंसर दे दिया गया है। जैसे आप हेडफोन्स को अपने ईयर से हटाओगे सॉन्ग ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है, वापस आप पुट इन करते हो ऑटोमेटिकली प्लेयर स्टार्ट हो जाता है। प्रॉपर आपको एक टच पैनल दिया गया है, एक डिजिटल नॉइस कैंसिलेशन भी दे दिया गया है, एम्बिएंट मोड आप ऑन ऑफ, साथ में आपको ANC भी देखने को मिल जाता है। 40 mm के ड्राइवर्स दिए गए हैं और आई थिंक स्पेसिफिकेशन वाइज मुझे यहाँ पे कहीं पे भी कोई इशू नज़र नहीं आया है। ये नहीं, इसके अलावा हम इसका गिव अवे भी करने वाले हैं। जी हाँ, आप में से कोई एक ये सोनी के हेडफोन जीत सकता है। रूल्स क्या है आपको डेफिनेटली वीडियो को लास्ट तक पता चल जाएगा। चलिए बातें बहुत हो गई, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, जो नोटिफिकेशन बेल आइकन वहाँ पे ऑल को सेट करना मत भूलिएगा। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो चलिए आपको एक छोटी सी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। अब बेसिकली कुछ ऐसे डिजाइन का आपको बॉक्स देखने को मिल जाता है। मेंशन किया गया है 360 रियलिटी ऑडियो और बॉक्स को आप ओपन करते हो आप देख सकते हैं फिनिशिंग बड़ी प्रॉपर दी गई, पैकेजिंग काफ़ी सही दी गई है और आपको एक कैरी बैग एक केस दे दिया गया है ताकि आप हेडफोन्स को ईजिली कैरी कर सके। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी पर्पज के हिसाब से सेफ्टी वाइज भी आपको थोड़ा अच्छा ऑप्शन दिया गया है। अंदर आपको यूज़र मैनुअल गाइड विथ सोनी 360 रियलिटी ऑडियो एक फ्री ट्रायल देखने को मिल जाता है। दिखाता हूँ आपको इस केस के अंदर हेडफोन्स कैसे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम, फर्स्ट इंप्रेशन अगर बात करता हूँ तो एक प्रीमियम हेडफोन्स का फील आता है। आपको एसेसरीज के अंदर एक ऑक्स केबल दे दी गई है, इसके अलावा आपको टाइप सी चार्जिंग केबल को चार्जिंग दे दिया गया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्लग एडेप्टर दे दिया गया है। और चलिए बात करते हैं हेडफोन्स की, तो वो कुछ ऐसा ये हेडफोन देखने को मिल जाएगा। और डेफिनेटली जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत अच्छी दी गई है और सोनी कभी भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। बटन्स की बात करता हूँ, ऑन ऑफ करने के लिए आपको प्रॉपर एक यहाँ पे बटन दिया गया है और यहाँ पे कस्टम का बटन भी दे दिया गया है। LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिल जाएगी और आपको दिखाता हूँ आपको लेफ्ट कप के ऊपर आपको ये बटन्स वगैरह मिलने वाले हैं। 3.5 mm जैक देखने को मिल जाएगा और राइट कप के ऊपर आपको यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट विथ LED लाइट देखने को मिल जाएगा। साइज़ भी बड़ी छोटी इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो फॉर्म वगैरह काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है, तो चलिए जल्दी इसको पहले मैं ऑन करके कनेक्ट करके चेक करता हूँ एक्चुअल में कनेक्ट कैसे होने वाले हैं। तो ये इसका जो बटन है इसको तो हम इसको ऑन कर लेते हैं और आप फोन में सर्च करोगे आपको दिखा देगा WH-1000XM4। हमने हेडफोन को पेयर कर लिया है, आप देख सकते हैं प्रॉपर पेयरिंग हो चुकी है, लाइट ब्लिंक करना बंद कर चुकी है और आपके फ़ोन में दिखा देगा एक्चुअल में इसके अंदर LDAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दिया गया है। बैटरी परसेंटेज शो कर चुका है, LDAC भी दिखा चुका है। आपने की हेडफोन एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं आईफोन और एंड्रॉयड फ़ोन दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। मेरे पास अभी आईफोन है, इवन मैंने यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर भी एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप एम्बिएंट साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इवन जो नॉइज़ कैंसिलेशन है आप उसको भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एडिशनली स्पीक टू चैट का ऑप्शन दिया गया है, आप इसको इनेबल कर दीजिए। मान लीजिए आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, आप जैसे बोलना स्टार्ट करोगे ऑटोमेटिकली म्यूज़िक स्टॉप हो जाएगा, आफ्टर 30 सेकेंड्स ये वापस से सॉन्ग प्ले करना स्टार्ट कर देगा जैसे बोलना बंद करते हैं। डेफिनेटली काफ़ी एडवांटेज दिया गया है। इवन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी सारे आपको इक्वलाइजर मोड दे दिए गए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ एग्जैक्टली आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आपको इक्वलाइजर मोड दिए गए हैं। आप इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल का मैं दिखा देता हूँ। देखिए कस्टम वन है, आप यहाँ पे जाइए सेटिंग के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर लीजिए। इवन नीचे आपको बेस का ऑप्शन भी दिया गया है, आपको क्लियरिटी चाहिए आप कम कर लीजिए, आपको बेस एक्स्ट्रा चाहिए डीप बेस वगैरह चाहिए आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं, बैलेंसिंग चाहिए तो आप इसको 0 पे कर लीजिए। तो प्रॉपर एक कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया गया जो कि डेफिनेटली प्लस पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिस्टम का ऑप्शन मिल जाता है, आपको दिखाता हूँ
आप सिस्टम के अंदर इसको परमिशन दे सकते हैं, आपको एक साथ दो डिवाइस से कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। मैंने एक एंड्रॉयड फ़ोन से कनेक्ट करके और एक आईफोन से कनेक्ट करके, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए हो सकता है। टच सेंसर को भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक पावर ऑन ऑफ़ का ऑप्शन दिया गया है। और इवन यहाँ पे जो इन ईयर सेंसर है उसको भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी आप ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगी। तो सोनी की जो हेडफोन एप्लीकेशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एडवांटेज इन हेडफोन्स को प्रोवाइड करा देते हैं। कंट्रोल्स की बात करते हैं, आपको टच पैड दिया गया है, आप जैसे ही डबल टैप करोगे सॉन्ग प्ले पॉज हो जाएगा। डबल टैप में ही आप कॉल को कर रिसीव कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम बढ़ानी है, आप ऊपर की तरफ स्वाइप कर दीजिए, वॉल्यूम डिक्रीज़ करिए नीचे तक स्वाइप कर दीजिए। आपको सॉन्ग को नेक्स्ट करना है, आप आगे की तरफ स्वाइप कर दीजिए, प्रीवियस सॉन्ग प्ले करना है प्रीवियस की तरफ स्वाइप कर दीजिए। और इवन आपको यहाँ पे अब जैसे ही हेडफोन के ऊपर राइट वाले हेडफोन में जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रखते हैं बाहर की आवाज़ आना स्टार्ट हो जाती है। आपको किसी कन्वर्सेशन करनी है यूज़ कर सकते हैं। इवन आपको यहाँ पे कस्टम बटन दे दिया गया है, आप एम्बिएंट साउंड को ऑन ऑफ और इवन ANC को भी सिंगल टैप में एक्टिवेट कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन आपको सिंगल टैप में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। एडिशनली आपको यहाँ पे इन ईयर सेंसर दे दिया गया है, जैसे आप हेडफोन को उतारोगे अपने आप म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस से पुट इन करोगे ऑटोमेटिकली सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल्स में कोई शिकायत नहीं थी, प्रॉपर कंट्रोल्स पे टच पैड दिए गए हैं। चलिए बात करते हैं कंफर्टेबल लेवल की, तो डेफिनेटली पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। आई थिंक अभी तक मैंने जितने भी हेडफोन रिव्यू किए हैं उनमें से सबसे टॉप पे मैं सोनी WH-1000XM4 को ही रखूँगा। आप इजीली पहन के ट्रैवल कीजिए, घंटों तक मूवीज़ देखिए, इवन मैंने पहन के इनको रनिंग की, जॉगिंग की। नॉर्मली जब मैं रनिंग करता हूँ मैं कैप पहनता हूँ, उसके ऊपर यहाँ पे हेडफोन लगा के देन रनिंग करता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ग्रिप मिलती है और स्वेटिंग वगैरह होने पर ज़्यादा शिकायत नहीं आती है। तो यहाँ पे मुझे कंफर्ट में एज पर हेडफोन्स कोई शिकायत नहीं थी। मैं इजीली इनको 9 out of 10 दे सकता हूँ। पहन के इजीली ट्रैवल कीजिए, प्लेन में जाइए, बस में जाइए, ट्रेन में जाइए, आपको यहाँ पे कंफर्ट में ज़्यादा शिकायत नहीं आएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट आपके लिए डेफिनेटली हो सकते हैं। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी रेंज की, तो इस डिपार्टमेंट में हेडफोन्स को कोई बीट नहीं कर सकता, सबसे बेस्ट हेडफोन्स ही होते हैं। तो यहाँ पे भी इजीली 15 to 20 feet की दूरी पे प्रॉपर कनेक्टिविटी रेंज प्रोवाइड करा देंगे। इवन मैंने पहन के यहाँ पे साइकिल पे राइड किया था, कार में ट्रैवल किया था, मुझे बिल्कुल भी साउंड में डिस्टॉर्शन फॉर अ मिली सेकेंड में फील नहीं हुआ था। तो यहाँ पे प्रॉपर कनेक्टिविटी इन रेंज आपको प्रोवाइड करा के जा रहे हैं। इसके बाद हम गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो आपको छोटा सा गेमिंग टेस्ट दिखा देता हूँ, फिर अपने ओपिनियन की बात कर लूँगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर रखा था। अब क्योंकि यहाँ पे इसके साथ ऑक्स केबल आती है, और हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, आप हमेशा वायर वाले हेडफोन यूज़ कीजिए फॉर गेमिंग। तो आपको दिखाता हूँ बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस, सबसे कम अल्ट्रा लो लेटेंसी आपको किस में देखने को मिलती है, फिर आप खुद जज कीजिएगा। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा, सबसे कम लेटेंसी आपको ऑक्स केबल के साथ ही मिल रही थी। वैसे आप ब्लूटूथ पे भी खेलते हो तो भी लेटेंसी काफ़ी कम दी गई थी, मैनेजेबल थी, बट फॉर बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आपको ऑक्स केबल दी गई है, वो यूज़ कर लीजिएगा, आपको लेटेंसी ना के बाद मिलने वाली है। तो गेमिंग के हिसाब से डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करें कॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो आपको यहाँ पे 5 माइक दिए गए हैं। तो आपको एक लाइव कॉलिंग सैंपल जिसमें इनडोर कंडीशन, आउटडोर कंडीशन, विंड इफेक्ट तीनों का आइडिया लग जाए आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मेरे ओपिनियन की बात कर लूंगा। ये जो आप सुन रहे हो डायरेक्टली हम यहाँ पे ऑन कॉल सोनी WH-1000XM4 से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रूम के अंदर हूँ, बैकग्राउंड में सिर्फ हल्का बहुत फैन चल रहा है। मान लीजिए आप ऑफिस के अंदर हो तो यहाँ पे सिर्फ AC फैन चल रहा होता है, ऑलमोस्ट ना की आवाज आती है, वहाँ पे आपकी आवाज कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी इसका आइडिया कुछ समय तो लग जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं, तो मैं रूम में आ चुका हूँ, बैकग्राउंड में कूलर चल रहा है, कम्प्यूटर नॉइज कैंसिलेशन है, उसका आपको आइडिया लग रहा होगा। जस्ट मैं विंड इफेक्ट चेक करने के लिए एक्चुअल में हवा जो तेज चलेगी उससे मैं कैसा वर्क करेगा, कूलर के जस्ट मैं सामने बैठूंगा 3-4 feet का डिस्टेंस होगा, फिर चेक कर लीजिए एक्चुअल में जब बाइक राइड करोगे स्कूटी राइड करोगे उस टाइम पे विंड इफेक्ट कैसा होगा। हल्का सा यहाँ पे मैं आउटडोर कंडीशन में आ चुका हूँ, बैक लग रहा होगा एक्चुअल में जब हल्की बहुत हवा चलती है, आप आउटडोर एनवायरनमेंट लाइट ट्रैफिक में होते हैं उस टाइम पे आपकी जो आवाज़ है कितनी लाउड कितनी क्लियर जाएगी थ्रू दिस सोनी हेडफोन, इसका आइडिया प्रॉपरली आपको इस समय तो लग रहा होगा। और ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा पीछे से गुजर रहा है,
आप यहाँ पे इजीली ऑपरेट कर पाएंगे, एक्चुअल में नॉइस कैंसलेशन ज्यादा वर्क करता है। तो आई थिंक आपने आइडिया लगा लिया होगा। वैसे हेडफोन्स को नॉर्मली कॉलिंग के हिसाब से यूज़ नहीं करते हैं, बट फिर भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इंडो कंडीशन के अंदर, ऑफिस के अंदर आप ट्रैवल कर रहे हैं, एरोप्लेन में है, ट्रेन के अंदर है, कार के अंदर, आप इजीली आगे इंसान से बात कर सकते हैं। 70% लाउडनेस थी, इवन जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी वर्क कर रहा था। एक जो शिकायत थी वो थी विंड नॉइस कैंसिलेशन। आप मान लीजिए आप साइकिलिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे बैकग्राउंड में थोड़ी हवा तेज चल रही होती है, वहाँ पे आपकी आवाज़ आगे इतनी लाउड नहीं जा रही थी, नॉइस कैंसिलेशन प्रॉपर वर्क नहीं करता है। और वैसे जो हेडफोन का डिज़ाइन होता है वो कॉलिंग के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए जाते हैं, बट स्टिल मैं कहूँगा अभी तक मैंने जितने भी हेडफोन रिव्यू किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा लाउडनेस, इवन जो नॉइस कैंसिलेशन था, इन्हीं में देखने को मिला था। तो यस, इन हेडफोन कैटेगरी के अंदर आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की, एक्चुअल के अंदर म्यूजिक में कैसा परफॉर्म करके जाते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़, इसके अंदर आपको LDAC ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक का सपोर्ट दिया गया है, जो कि हेडफोन्स पे बहुत रेयरली देखने को मिलता है। आपको प्रॉपर बैलेंसिंग, सेपरेशन वगैरह, सिंगर की जो आवाज़ है एग्जैक्टली वही सुनाई देगी, एक प्रॉपर क्लियरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। बैलेंसिंग के अंदर आपको बैकग्राउंड में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं हर एक इंस्ट्रूमेंट सेपरेटली सुनाई देता है, सिंगर की आवाज़ विथ इंस्ट्रूमेंट सब कुछ अलग अलग सुनाई देगा। और इवन जो बेस एक्सपीरियंस है, बैकग्राउंड जितने बीट्स वगैरह बजते हैं आपको सेपरेट सुनाई देते हैं। एडिशनली सोनी की जो हेडफोन एप्लीकेशन है आप उसके थ्रू, इक्वलाइजर के थ्रू अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग म्यूजिक को बूस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इवन जो ड्राइवर है साइज 40mm का दिया गया है, और जो क्वालिटी है वहाँ पर बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, क्रिस्टल क्लियर वॉइस प्रोवाइड करा के जा रहे हैं। बेस हो, ट्रेबल हो, मिड्स हो, हाई हो, आपको प्रॉपर बैलेंसिंग मिल रही है। तो यहाँ पे फॉर म्यूजिक एक्सपीरियंस मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। एक ऑडियो फाइल हेडफोन आपको दे दिए गए हैं, चाहे पे आप रैप सॉन्ग सुनो, सैड सुनो, रोमांटिक सॉन्ग सुनो, आपको एक प्रॉपर बैलेंसिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी दे दिया गया, बाहर की जो आवाज़ वगैरह ऑलमोस्ट आना बंद हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आपको फोकस करना है सिर्फ म्यूजिक के ऊपर, तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप सोनी WH-1000XM4 को बिना सोचे समझे रिकमेंड कर सकते हैं। म्यूजिक के अंदर मैं कहूँगा आपको एक क्रिस्टल क्लियर वॉइस प्रोवाइड करके गए हैं। और अगर मैं रेटिंग की बात करता हूँ तो डेफिनेटली मैं 8.7/10 दे सकता हूँ। तो हमने यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं सबके सब कवर अप कर लिए हैं। बात करता हूँ मेरे फाइनल वर्डिट की, तो आई थिंक यहाँ पे जब बात करता हूँ कंप्लीट पैकेज की, आपको एक अच्छा खासा स्टाइल स्टेटमेंट विथ ऑल बेसिक रिक्वायरमेंट, आपको इन ईयर सेंसर दे दिया गया है, प्रॉपर कंट्रोल दे दिए गए हैं, अच्छा खासा बैटरी बैकअप विथ ऑक्स केबल दे दिया गया है। आप इसको इजीली कॉलिंग के लिए, गेमिंग के लिए, इवन यहाँ पे म्यूजिक के लिए ना ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं ओवरऑल रेटिंग की बात करता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको ओवरऑल 8.5/10 की रेटिंग दे सकता हूँ। तो ये आज का ओवरऑल वीडियो, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा होगा। और वैसे इसका एट प्रेजेंट जो भी बेस्ट परचेस प्राइस लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप एक बार प्राइस चेक कर लीजिएगा। आप चाहे डायरेक्टली वहाँ से परचेस भी कर सकते हैं। वैसे आप, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मैं इनका एक गिव अवे भी करने वाला हूँ। अगर आप इसे गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर आपको रूल्स रेगुलेशन मिल जाएंगे, आप वो चेक कर लीजिए। और हो सकता है आप भी घर बैठे बैठे ये सोनी के प्रीमियम हेडफोन्स जीत जाए। गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, अभी इस टाइम पे अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, टेक केयर योरसेल्फ।